हेलो नमस्कार, मैं आपके अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए आज शुरू करते हैं रेलवे के टॉपिक। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब इसे हम लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे और पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रेलवे में जितना भी प्रश्न पूछा है ये आपको सीरीज वाइज, अब चैप्टर वाइज आपको हर दिन मिलता रहेगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करने का प्रयास करेंगे और कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। आइए तो शुरू करने से पहले आपको पहला टॉपिक जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पूरा रूल हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। ऐसे तो पूरा डीप में जब पढ़ेंगे तो एक वीडियो में आपको केवल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो पाएगा, लेकिन मुख्य रूप से हम रेलवे फोकस करना चाह रहे हैं। इसमें रेलवे के स्पेशल क्वेश्चन बैंक होगा। अगर दू से विभाजन के रूल की बात कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्या हम लिखेंगे कि जिसका हम रूल बनाने वाले हैं और पीछे में देखना है कितना अंक देखना है पीछे से, ये बात हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे विभाजन की बात कहे तो अंतिम से एक अंक देखना है, अंतिम से देखना है एक अंक। अगर चार से विभाजन की बात कहेगा तब देखना है दो अंक, आठ से विभाजन की बात कहेगा तो देखना है तीन अंक, सभी लास्ट से देखना है। अगर 16 की बात करेगा तो अंतिम से चार अंक देखा जाएगा, अगर 32 की बात कहा जाएगा तो अंतिम से पांच अंक देखा जाएगा। देखिए संक्षिप्त में आपका रूल आ गया है। अगर दूसरे विभाजन की बात कहेगा तो कहिएगा कि वैसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक क्या जीरो हो या दो से कटने वाली कोई संख्या हो, कटने वाली कोई संख्या हो। ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे विभाजन का रूल बनाना होगा तो वैसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक जीरो या दू से कटने वाली कोई संख्या हो तब दू से कटेगी। अगर चार से विभाजन की बात कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो अंक देखना है, दो अंक देखना है, लेकिन क्या देखना है, डबल जीरो या चार से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए। यही अगर आठ से विभाजन की बात कहेगा तो आठ से विभाजन में हम लोग तीन अंक देखेंगे, अंतिम से तीन अंक, तीन अंक क्या, ट्रिपल जीरो या आठ से विभक्त होने वाली कोई संख्या को देखेंगे। अगर 16 से विभाजन की बात कहेगा तो अंतिम से चार अंक देखते हैं, अंतिम से चार अंक क्या, चार गो जीरो या 16 से कटने वाली कोई संख्या होगी। अगर 32 की बात कहेगा तो अंतिम में पांच गो जीरो या 32 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग रूल जान पाए दू के, चार के, आठ के, 16 के, 32 के। इसी प्रकार से आप लोग 64, 128 भी बना सकते हैं। देखिए यहां दू के पावर एक तो दू आवेगा तो एक अंक, चार लाने के लिए दू के पावर दू देखते हैं तो दू अंक देख रहे हैं, दू के पावर तीन देंगे तो आठ आएगा तो तीन अंक देख रहे हैं। इस प्रकार से पावर बढ़ते जाएगा, इधर अंकों की संख्या में बढ़ोतरी होते जाएगा। आइए तो इस प्रकार से संक्षिप्त में आप लोग याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से और आगे देखेंगे, अगर पांच से विभाजन की बात कहेगा, देख लीजिए संख्या और देखना है, अंतिम से ही देखना है जी,
अगर पांच से विभाजन की बात कहेगा तो अंतिम से एक अंक देखना है, और देखना क्या है कि अंतिम एक अंक जीरो या पांच से कटने वाली होना चाहिए, कटने वाली संख्या। अगर पांच से विभाजन की बात कहा जाएगा तो अंतिम एक अंक जीरो या पांच से कटने वाली कोई संख्या होगी। अगर 25 की बात कहा जाएगा तो अंतिम दो अंक देखना होगा, और दो अंक डबल जीरो या 25 से कटने वाली कोई संख्या होगी। यही अगर 125 से विभाजन की बात कहा जाएगा तो अंतिम से तीन अंक देखेंगे, और तीन अंक क्या देखेंगे, तीन गो जीरो या 125 से कटने वाली कोई संख्या होगी, या 125 से कटने वाली कोई संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तीन से विभाजन, तो तीन से याद रखिएगा, तीन से और नौ से ये दोनों का एक जैसा रूल होता है। तीन से विभाजन का रूल है कि अंकों का योगफल, अंकों का योगफल तीन से कटना चाहिए। अगर अंकों का योगफल तीन से कट जाएगा तब वो संख्या तीन से जरूर कटेगी। अगर नौ से कहा जाए तो ये अंकों का योगफल, अंकों का योगफल नौ से कटना चाहिए। अगर अंकों का योगफल नौ से कटेगा तब वो संख्या नौ से कटेगी, अगर अंकों का योगफल तीन से कटे तो वो तीन से कटेगी। और आगे देखेंगे, अगर सात से विभाजन की बात कहा जाए तो गौर करिएगा, इसे समझ लीजिए, इसे चेक करने का डायरेक्ट तरीका बता देना चाहेंगे। जैसे कि अगर 2401 को चेक करना है कि सात से कटेगा कि नहीं, तो क्या करिएगा कि इकाई अंक जो रहेगा एकर दुगना शेष संख्या में घटाइएगा, इकाई का दुगना शेष में घटाइएगा बचलहवा संख्या में। तो जरा सोचिए, एक दूनी तो दू होता है, अंतिम अंक का दोगुना बची हुई संख्या में घटाइएगा, अंतिम संख्या के दुगुना बची हुई संख्या में घटाइएगा तो एक दूनी दू, और 240 में से दू घटाइएगा तब 238 आवेगा, तो 238 आया। पुनः छोटा करने के लिए अंतिम अंक के दुगुना, 8 दूनी 16, अब 23 में से 16 घटाइएगा तो 7 आवेगा। तो इस प्रकार से छोटी संख्या जो प्राप्त होगी अगर 7 से कट जाएगी तब वो 7 से अवश्य विभक्त होगी। आइए अब देखते हैं हम लोग 11 से विभाजन। अगर 11 से विभाजन की बात कहेगा तो इसका क्या रूल है कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज होता है तब वह संख्या 11 से अवश्य कटती है। जब कोई संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज होता है तब वह संख्या 11 से अवश्य कटती है। आइए चेक करते हैं, अगर इस प्रकार से है तो जरा देखिए, अल्टरनेट जोड़िएगा 1 और 3, देखिए 1 3 जोड़ेंगे तो 4 आवेगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो 4, अगर घटाइएगा तो देखिए 4 में से 4 घटेगा, 0 आ गया। अगर अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा तब वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। अब हम लोग देखते हैं 6 का, तो देखिए 6 के लिए इसको पहले गुणनखंड करिएगा, तो 2 और 3 गुणनखंड करेंगे तो देखिए अब यहां से 6 का विभाजन का रूल क्या बनेगा,
कि वैसी संख्या जो दो एवं तीन दोनों से कटे तो वो संख्या छह से कटेगी। देखिए छह से विभाजन का रूल, वैसी संख्या जो दो एवं तीन दोनों से कटेगी, तो दो से रूल जानते ही हैं, तीन से रूल तो जानते ही हैं, तो इस प्रकार से हम लोग छह के भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर देखिए बारह के रूल बनाना होगा तो बारह को ऐसा गुणनखंड करिए ताकि गुणनखंडों का मसा एक होना चाहिए। ये नहीं कि छह और दो कर दीजिएगा, ये भी गुणनखंड छह दूनी बारह होगा, लेकिन नहीं, गुणनखंड ऐसा किया जाना चाहिए कि मसा एक हो। तो चार तीन का मसा एक होता है और चार तिया बारह भी हो जाएगा। अब यहां से रूल बन गया कि जो संख्या चार एवं तीन दोनों से कटेगी वो संख्या बारह से कटेगी, जो संख्या चार एवं तीन दोनों से कटेगी वो संख्या बारह से अवश्य कटेगी। इसी प्रकार से आप लोग अपना रूल बना सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगर अठासी से बनाना होगा तब देखिए क्या करेंगे। ऐसा गुणनखंड करिए जिनका मसा एक हो, तो ऐसा करते हैं ग्यारह और आठ का तो मसा एक होगा, तो जो संख्या 11 से कटेगी और 8 से कटेगी वो संख्या आपका 88 से विभक्त होगी। इसी प्रकार से और देख लीजिए, अगर बात कर दे 175 के विभाजन का, तो देखिए 175 तो इसे भी तोड़ दीजिएगा, 35 बचे 175 नहीं करिएगा, क्योंकि 35 और 5 का तो मसा आपका 5 आ जाएगा। ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि मसा एक हो। तो आइए इसे आप 25 और 7 कर सकते, क्योंकि 25 और 7 का मसा एक आवेगा। अतः इसका रूल बन गया कि जो संख्या 25 और 7 दोनों से कटेगी वह संख्या 175 से अवश्य विभाजित होगी। तो आइए इस प्रकार से हम लोग संक्षिप्त में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जान चुके हैं। और इसके और कुछ रूल हैं जो अब कभी हम लोग जब रेगुलर बनाएंगे वीडियो को फाउंडेशन बैच के लिए, तब उसमें देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के स्पेशल स्पेशल फॉर्म को। ऐसे आपको जनरली इतना से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी और भी रूल है जो कि कभी और वीडियो बनाएंगे तो देखिएगा स्पेशल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। फिलहाल हम रेलवे फोकस करना चाह रहे हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से ही है। आइए हमारे हाथ में जो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास से, उनके पास तो ऑलरेडी ऐसा बुकलेट होगा, स्टडी मटेरियल उनके पास उपलब्ध है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए हम पीडीएफ दे देंगे और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब पहला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 175 की बात करता है कि 175 से विभाजित है, तो 175 का रूल हम बता चुके हैं कि जो संख्याएं 25 से कटती है और 7 से कटती है वही संख्या तो 175 से कटेगी। अब देखते हैं जो दिया है चेक करने के लिए, पहली संख्या दिया 500, तो देखिए 500 के अंतिम में तो दो जीरो है, तो ये 25 से तो कट जाएगी। ध्यान दीजिए पुनः एक बार, 25 से रूल क्या है कि अंत में दो अंक जो है डबल जीरो या 25 से कटने वाली कोई संख्या होना चाहिए, तो 25 से कट जाएगा। और 7 से विभाजन बता चुके हैं, और 7 से ऐसे जितना रूल है उससे बेहतर है कि भाग दे करके आप आसानी से बना लीजिएगा। तो आइए 500 को चेक करते हैं, तो 25 से तो ये कट रहा है, लेकिन जब ये 25 से तो कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट पाएगा, अतः ये तो 175 से नहीं कटेगा। आइए इसके बाद है 875। अब 875 को चेक करते हैं कि 175 से कटता है कि नहीं,
तो देखिए पहले 25 से लगाइए, तो 25 दिया 75, 25 से तो कट रहा है, 25 से कट रहा है। अब बात है कि 7 से ही कटता है कि नहीं, तो देखिए 7 एकाई 7, 7 एकाई 7, 1 पर 7 17, तो 7 दूनी 14, 3 पर 5 35, 7 पचे 35, यानी 7 से ई कट रहा है। यानी जब 25 से भी कटे 7 से भी कटे तभी तो 175 से कटेगी, और ये दोनों से कट रहा है अतः ये कटेगा। या आप 7 से इस प्रकार से भी चेक कर सकते थे कि 5 दूनी 10 और 87 में 10 घटा देते तो 77 आता, और 77 तो 7 से कटता है, अतः ऐसे भी पता चल जाता है। आइए और अगली संख्या दिया है 1575। तब देखिए ए तो 25 से कट रहा है, 25 दिया 75, अब चेक करते हैं 7 से, तो आइए 7 दूनी 14, 1 पर 7 17, 7 दूनी 14, फिर बच गया 3, 3 पर 5 35, 7 पचे 35, यानी 7 से कट रही 25 से भी और 7 से भी, अतः ये 175 से कटेगी, तो ये हो गया। चलिए आगे और दिया है 1915। तो 1915 को चेक करना है कि 175 से कटेगा या नहीं, तो 175 के लिए 25 और 7 दोनों से कटना चाहिए। तो देखिए अंत में 2 अंक 25 से कट ही नहीं रहा था, कहा जाओ तू तो ऐसा ही भाग गया। आइए आगे कहता है 2625। तो 2625 को जरा देखिए, अंतिम में 2 अंक तो 25 से कट रहा है, हाँ ये तो सेट है 25 से तो कट रहा है, लेकिन अब 7 से चेक करना है। आइए तो 7 दिया 21, 7 दिया 21, यहाँ 5, 5 पर 2 52, तो 7 सते 49, 3 पर 5 35, 7 पचे 35, ये तो कट रहा है आपका। चलिए तो ये भी 175 से कट जाएगा। आगे और देखते हैं, और आगे दिया 2850। तो देखिए 2850 ये अंतिम 2 अंक तो 25 से कट रहा है, ये 25 से कट रहा है, लेकिन 7 से काटते हैं 7 चौक 28 नहीं कट पाएगा, यानी 7 से विभाजन नहीं है, अतः ये 175 से नहीं कट पाएगा, तो ये गया काम से। फिर आगे देखते हैं 3325 दिया, तो देखिए अंतिम 2 अंक तो 25 से कट रहा है, तो ये 25 से तो कटेगा। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहां बचा 5, 5 पर 2 52, 7 सते 49 और 7 पचे 35, यानी 7 से कटेगा, अतः ये पूरी संख्या 175 से कटेगी। अगला और देखते हैं 4035। तब जरा देखिए अंतिम में तो ये 25 से नहीं कट रहा, 25 से ही नहीं कट रहा तो 175 से तो कटेगा नहीं, अतः ये तो गया काम से। तो इस प्रकार अब गिन लीजिए कि कितनी संख्या 175 से कट रही है। तो देखिए 1 2 3 4, यानी इसका आंसर आया 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न देखेंगे। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें केवल हम आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे नहीं, केवल हम सोल्व नहीं करेंगे, मेरा भरसक प्रयास होगा कि हम आपको सिखाएं। भले ही ये ऑनलाइन है, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आइए एकदम सेम टू सेम ऑफलाइन की जैसा आपको इसमें मिलेगा। चलिए तो अभाज्य संख्या, आपकी हर छोटी छोटी बातों को हम ख्याल रख के इसमें हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर कहा जाता है, प्राइम नंबर। ध्यान दीजिए अब प्राइम नंबर क्या है, तो याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। पुनः देख लीजिए, एक और स्वयं को छोड़ करके
किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, यानी एक से कटती है, स्वयं से कटती है, और किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। ध्यान दीजिए, पुनः एक बार परिभाषा पर चोट करते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके, एक और स्वयं से तो कटती ही है लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या जो होती है एक से बड़ी होती है। अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है। अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है। तो एक, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। अब देखिए, इसे एक से ही कटेगी, दो से कटेगी, कोई और संख्या से तो नहीं कटेगी। हाँ, पूर्ण संख्याओं से काटिएगा, पूर्णांक संख्या से काटिएगा। इसे आप जो हैं, ऐसा नहीं कि एक बट्टा चार, एक बटे चार अट्ठी करिएगा तो भी दो आवेगा, तो उस प्रकार से बटा में नहीं पढ़िएगा। तो चलिए एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। अभाज्य संख्या एक से कटती है, स्वयं से कटती है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, एक से बड़ी होती है। अभाज्य संख्या एक नहीं है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। और सबसे, और देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य जो है दो के बारे में अगर कहा जाए तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और एक बात बता देना चाहेंगे, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न भेटता जाएगा वैसे वैसे थोड़ा हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। आइए अब प्रश्न पे आते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 11 है, क्योंकि दो अंक का प्रारंभ तो 10 से होता है और 10 तो 2 और 5 से कट जाती है, अतः वो भाज्य संख्या होगी। तो उसके बाद अभाज्य संख्या 11 है। और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 होगा, क्योंकि 97 अभाज्य संख्या एक किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। अब ये दोनों का अंतर कहा, अंतर तो याद रखेंगे, अंतर बड़ी में से ही छोटा घटाया जाता है। इन्हें 11 में से 97 घटे ही माइनस मिला दीजिए, नहीं, अंतर जब भी पूछे तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा, या उल्टा भी घटे तो माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा। तो 97 में से 11 घटाइएगा तो 86 आएगा, अतः उत्तर आ चुका है। तीसरा सवाल कहता, निम्न में कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भाज्य, भाज्य भी और विषम भी। आइए, ऑप्शन दिया है 15, फिर दिया 17, फिर दिया 12, फिर दिया 13। ये देखिए, ये विषम तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या है, तो ये तो हो गया विषम अभाज्य। इसे देखिए, ये सम संख्या है, तो याद रखिएगा, सम संख्या में दो ही एगो ऐसी सम संख्या है
जो कि अभाज्य है और दू के अलावे जितनी भी सम संख्या है सभी भाज्य होता है। तो ये सम संख्या है तब ये तो भाज्य होगा। अभी देखिए विषम है लेकिन ये तो आपका अभाज्य संख्या है। 15 की बात करते हैं, हाँ ये तो विषम संख्या है और ये 3 और 5 से कटती है अतः ये भाज्य संख्या है। और सवाल क्या कहा कि विषम भाज, तो जरा देखिए विषम भाज कौन है, 15वां ही तो है, 15 तो ही है। चौथा सवाल कहता है 70 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो पहले 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। तो 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्या 71, 73, 79, इसके बाद आप देखेंगे 83, इसके बाद 89, इसके बाद 97। 70 और 100 के बीच ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और ये सभी का योगफल पूछा है तो सबको जोड़ दीजिए। तो 9 7 16, 16 3 19, 19 9 28, 28 और 3 31, 31 1 32 के 2 बाकी 3, तो 7 3 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 9 49, यानी आपका योगफल 492 आ गया। तो इस प्रकार से योगफल आपका 492 आया। पांचवा प्रश्न देखेंगे 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को गिनना है। तो 60 के बाद देखिए 61 आपका अभाज्य संख्या है, इसके बाद आपका 67, इसके बाद आपका 71, उसके बाद देखेंगे 73, उसके बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। तो इस प्रकार से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से 60 और 100 के बीच टोटल अभाज्य संख्या 8 हुआ। छठा सवाल देखेंगे, एक कहता है 1 और 100 तक की गिनती में 1 से अगर 100 तक गिनती लिखेंगे तो कहता है कि 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, इकाई स्थान पर नहीं बल्कि दहाई स्थान पर। तो जरा सोचिए कि दहाई स्थान पर 2 तो 20 से शुरू होगा, 20 21 22, इस प्रकार से आपका 29 तक में दहाई अंक पर देख लीजिए, इस प्रकार से दहाई अंक पर 2 2 2 आएगा। तो कहता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें कि दहाई अंक में 2 आता है। तब देखिए 1 से अगर रहता तब तो 9 तक में रहता, लेकिन 20 में के पहले भी 0 वाला भी है ना, आगे देख लिए। अगर 1 से यानी 21 से 29 तक रहता तो 9 गो होता, लेकिन ये 0 वाला भी तो ये 2 है ये आगे वाला, तो आइए इसलिए 9 1 10 गो हो गया, यानी कि 20 से लेके 29 तक टोटल संख्या आपका 10 गो है। तो इसका उत्तर 10 आया। अब आगे और देखेंगे, सातवां सवाल कहता है कि 24625 को 31 से भाग देवेंगे तो शेष क्या बचेगा। चलिए ये तो 31 से भाग ही देना होगा, तो इसे तो आप लोग भी बना सकते हैं, भाग दे दीजिएगा। हम इसका डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं, भाग लगाने के बाद आपका जो शेष बचेगा 11 बचेगा, क्योंकि हम मुख्य रूप से गणित के कंसेप्ट समझाना चाहते हैं ना कि क्वेश्चन को सोल्व करना मेरा मकसद है। आइए तो 31 से भाग लगा करके 11 कर दीजिएगा। चलिए
आगे और हम लोग देखते हैं। आठवां सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 437 है, दो संख्याओं का योगफल 437, और जब गुना किया जाता है तो गुणनफल 21982 है। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का योगफल, यानी अगर संख्या ए और बी है तो इसका योगफल 437 दिया है और इसका गुणनफल यानी कि ए बी बराबर 21982 दिया है। तो देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो इसे बाई ऑप्शन ही बना लेना उचित होता है, नहीं तो फॉर्मूला से बनाएंगे तो समय ज्यादा लगता है। तो आइए बाई ऑप्शन ही बनाने का प्रयास करिएगा। आइए तो हम डायरेक्ट उत्तर को चेक करने का तरीका बता देते हैं। आपका ऑप्शन है एक उत्तर जो सी में ऑप्शन है 58 और 379 है। देखिए आप यूनिट डिजिट से भी गुना करके देख लीजिए तो 8 और 9 गुना करेंगे तो 8 × 72 मिल रहा है, और देखिए ऐसे भी करेंगे 5 × 15 तो 15 से बड़ा है ही, क्योंकि बाकी भी तो रहेगा आगे, ये अंदाज लगा लीजिएगा। और देखेंगे अगर जोड़ेंगे तो 437 पाएंगे, ये दोनों को जोड़िएगा तो 437 आएगा, अतः ये टैली करेगा। जोड़ करके इतना आना चाहिए और गुना करके थोड़ा देख लीजिएगा आसपास, यानी विकल्प को आप देखेंगे तो आराम से सोच लीजिएगा। आइए नौवां सवाल को देखते हैं। नौवां सवाल कहता दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योगफल 30 है, दो गो संख्या को जब जोड़ा जाता है तब 30 आता है और इसका अंतर 6 है, घटाते हैं तब 6 आता है। सवाल कहता है कि गुणनफल ज्ञात करें, माने ए और बी को गुना करेंगे तब क्या आएगा। जरा सोचिए कि ए और बी जब जोड़ा तो 30 आया, घटाएंगे तब 6 आवेगा, अभी दोनों के गुना करके पूछ रहा है। तो आप इसे तो मौखिक बना सकते हैं, अगर आप अभ्यास मैथ में आप बराबर करते रहते हैं तो आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि ए और बी का मान अगर 18 12 लिया जाएगा तो 18 12 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और घटावेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 18 और 12 इसका वैल्यू आया, यानी ए का मान 18 बी के मान 12, और गुणनफल कहेगा तो 18 × 12 कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये आप बराबर प्रैक्टिस में रहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, अगर नहीं भी प्रैक्टिस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार दिया जोड़ के, एक बार दिया घटा के, ध्यान से सुनिएगा, एक बार दिया जोड़ के, एक बार दिया घटा के, एक बार दिया जोड़ के, एक बार दिया घटा के, तो इसमें से पहले वाली निकालना हो ना तो ई दोनों के जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, तो 30 × 36 और 36 × 18 आ गया। पुनः एक बार देख लीजिए, एक बार देवे जोड़ कर, एक बार देवे घटा कर, एक बार दिया जोड़ कर, एक बार दिया घटा के, अगर पहले की पूछेगा यानी एक का मान पूछेगा तो दोनों जोड़ के आधा कर दीजिएगा, और दूसर का वैल्यू निकालना होगा तो घटा के आधा कर दीजिए, तब 30 में से 6 घटेगा तो 24 और 24 के आधा करिएगा तो 12। तो इस प्रकार से भी मुहे मुहे निकाल लीजिएगा, तो ये ए गुने बी, तो 18 × जब 12 करिएगा तो 18 × 36 18 × 3 = 21 यानी 216 आ गया। इसी प्रकार से आगे दसवां सवाल देखेंगे। कहता है कि दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो से रिलेटेड है, दो संख्या है, दो संख्या है और इसका रेशियो 2:3 दिया है और इसका योगफल, ध्यान दीजिए, दिया है योगफल, योगफल दिया है 210। चलिए रेशियो में एक बात याद रखिएगा, ऐसे तो ये बात हर क्वेश्चन में लगता है, चाहे प्रतिशत का प्रश्न हो, चाहे रेशियो का हो, चाहे फ्रैक्शन का हो, हम हमेशा एक चीज का यूज करते हैं, दिया बराबर किया, दिया बराबर किया। ध्यान दीजिए, ये दिया किया क्या है, ए जी प्रश्न में दिया योगफल है,
रेशियो में दिया 2:3 और संख्या में देले है 210 तो दिया बराबर किया यानी संख्या दिया जोड़ के तो रेशियो भी बनाएंगे जोड़ के तो इसको जोड़ दीजिए 3 और 2 5 इसको जोड़े का है क्योंकि दिया जोड़ करके याद रखिएगा दिया बराबर किया और दिया बराबर किया आपका वर्ड प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तब दिया जोड़ के तो इसे भी जोड़ दीजिए तब 3 और 2 5 यानी अनुपात 5 बराबर 210 अब इसे काट दीजिएगा तब 42 बचे 210 यानी 1 का वैल्यू 42 आया अनुपात 1 का मान 42 आया। सवाल कहता है छोटी संख्या तो देखिए 1 संख्या 2 है 1 संख्या 3 है अनुपात में 2-3 है तो छोटी पूछा ये छोटी तो ही है तो देखिए 1 के मान 42 1 के मान 42 तब 2 के मान 42 84 आएगा अतः आपका उत्तर 84 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। 11 कहता है 2 संख्याओं का योगफल 15 है जब 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तब 15 आता है और अंतर 3 है अगर घटाते हैं तब 3 आता है संख्या कहता है तो वह संख्या आखिर कौन कौन है तो जरा देखिए यहां से तो आप लोग के बताए ही होंगे कि एक बार दिया जोड़कर एक बार दिया घटा के आज ही पहली की पूछे तो जोड़ करके आधा 15 और 3 18 18 के आधा 9 और दूसर की पूछे घटा के आधा 15 में से 3 घटा 12 12 के आधा 6 बात समझ में आई। हाँ हाँ तो ध्यान दीजिए जी एगो बात एक्स्ट्रा यहां बता देते हैं कभी कभी यही प्रश्न में कह देगा ना कि वर्गों का अंतर बता दीजिए तो अंतर जब पूछेगा ना तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को मनमा को गुना कर दीजिएगा तब 15 तिया 45 हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछते रहता है एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके दे देता है अब वर्ग के अंतर पूछता है तब वर्गों का अंतर पूछेगा तो 15 तिया 45 कर देंगे ऐसा ही आ जाएगा। और क्यों तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए प्लस बी के मान 15 ए माइनस बी के मान 3 तब 15 तिया 45 आई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां सवाल। 12वां सवाल कहता है 1 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर 54 है तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच अंतर क्या है। बहुत बढ़िया सवाल देखिए 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या यही संख्या के अंक पलटे से अंक पलटने से बनी संख्या संख्या के बीच जो है अंतर दिया है ध्यान दीजिएगा अगर अंतर दिया है 2 अंकों की संख्या एवं अंक पलटने से बनी संख्या अगर अंतर इसका दिया है माने माइनस में दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा अगर अंतर दिया हुआ है तो अंकों का अंतर निकालने के लिए बस कुछ नहीं करिए 9 से भाग दे दीजिए बस डायरेक्ट आ जाएगा 2 अंकों की संख्या अंक पलटने से बनी संख्या अगर ये दोनों का अंतर मालूम है तो अंतर में 9 से भाग दे दीजिए आपके संख्या के अंकों का अंतर आ जाएगा ध्यान दीजिएगा तो अंकों का अंतर 54 अंतर दिया है और 9 से भाग दीजिएगा तो 9 × 54 यानी कि आपका 6 आ जाएगा। चलिए कुछ और इसमें आपको बता देना चाहते हैं कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योगफल मालूम हो तो जब योगफल पूछेगा तो योगफल दिया रहेगा अगर योगफल पूछेगा यानी अंकों का योगफल ध्यान दीजिएगा अंकों का योगफल पूछेगा तो योगफल में 11 से भाग पड़ता है
11 से भाग पड़ता है और अंतर में 9 से भाग पड़ता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल का उद्देश्य है कि आप में हर तरह की डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके आपकी हर चीज में मानसिक विकृतियों को भी निकालना। इसका मकसद केवल और केवल क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है, आप में बदलाव आना चाहिए। गौर करिएगा, हम लोग का उद्देश्य है हर विद्यार्थियों तक सब कुछ अच्छे अच्छे संदेश पहुंचाना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं आजकल के विद्यार्थी जो हैं असफल क्यों हो रहे हैं। अब इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि विद्यार्थी असफल क्यों हो रहे हैं। तो आइए, सबसे पहली समस्या ये है कि विद्यार्थी आज सही समय का यूज नहीं कर पाते हैं। तो आइए थोड़ा सा सही समय के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर मिस क्यों कर देता है, यूज बढ़िया से नहीं कर रहा है आपका समय का। तो देखिए, एक छोटी सी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कारण कि बहुत बार विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि मेरे पास समय नहीं बच पाता है, सब काम ठीक ही कर लेते हैं लेकिन जब पढ़ने की बारी आता है तो अच्छे से हम यूज नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग पाता। तो इसकी वजह को ढूंढिए, तो जरा देखिए। और वहीं से प्रश्न जब आया तो ये हर विद्यार्थी के मन में आएगा। तो जरा सोचिए कि अगर ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी को हम 24 घंटा के बराबर मान लेते हैं कि 24 घंटा यही दिन भर का वक्त आपके पास है। अगर इस बाल्टी में मैं इतना बड़ा बड़ा पत्थर डालूं तो जरा देखेंगे इस प्रकार से इसमें पत्थर को हमने भर दिया। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए जरा कि इतना बड़ा जो पत्थर हमने डाला है अब इसमें और अट पाएगा क्या, तो जवाब होगा नहीं, कि इतना बड़ा अब नहीं डला पाएगा। तो कहा ठीक है, तो इस इतना बड़ा नहीं डला पाएगा, लेकिन जब इतना बड़ा बड़ा तो और डलाएगा। तो जरा देखिए इस प्रकार से इधर जो बीच बीच में आप डाल सकते हैं, ध्यान दीजिए और डलाएगा इसमें। और फिर कहेंगे अब जब भर जाए पूर्ण रूप से इस छोटे छोटे कंकड़ों से तब देखेंगे, अब कहेंगे ऐसा डलाएगा क्या, तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन कहेंगे अच्छा इस प्रकार से कंकड़ तो और छोटा छोटा डलाएगा, तो कहेंगे हाँ जी डला जाएगा। तो अब कहेंगे ये भर जाए जब, तो फिर कहेंगे अब भराएगा क्या, तो कहेंगे नहीं। और यही अगर बालू अगर इसमें डालेंगे तब बालू जरूर डलाएगा, लेकिन बालू को भी पूरा हिला करके अगर भर दिया जाए तो फिर कहेंगे डलाएगा, तो कहेंगे नहीं अब नहीं डला पाएगा। लेकिन इसमें भी अब रेत डलाएगा, मिट्टी का जो रेत होगा वो डलाएगा, वो भी पूरा भर दीजिए, तो ये भी आ जाएगा इसमें, उसके बाद रेत भी नहीं आ पाएगा। अब इसमें चाहेंगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं, फिर पानी से भर दीजिए, तो इस प्रकार से कहेंगे पानी और अटेगा क्या, आपका जवाब होगा नहीं। तो देखिए एक ही बाल्टी में आप इतना को आराम से समा दिए, आप आराम से इसमें समा दिए हैं इतनी चीज को। लेकिन जरा देखिए अगर यही प्रक्रिया को उलट दीजिए, अभी देखिए इस बाल्टी में क्या है, ये आपका पत्थर है, ये आपका गिट्टी था, ये आपका छोटा कंकड़ है, छोटा कंकड़, ये बालू रेत पानी, और इसी के केवल प्रक्रिया को आप पलट दीजिए। पानी को पहले डाल दीजिए, उसके बाद रेत को डालिए, फिर बालू को डालिए, उसके बाद छोटा कंकड़ को डालिए, फिर गिट्टी को, फिर बड़ा पत्थर को, जरा अटा करके देखिए कभी अट पाएगा क्या, नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी दैनिक जीवन में क्या करते हैं कि समय का जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसको हम लोग उलट दिए हैं। मतलब कि हम लोग छोटे छोटे चीजों में पहले तो समय को यूज कर लेते हैं और बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद जो जरूरी होता है उसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो यही तो टाइम मैनेजमेंट है। तो याद रखेंगे कि अगर सफल होना है तो अपनी आपके तरीके को बदलना पड़ेगा। समय किस प्रकार से आपका लॉस होता है वो पहले आपको देखना है कि किस में बिना मतलब का बेकार हो रहा है,
उसको पहले खत्म करना होगा, और पढ़ाई विद्यार्थी के लिए जरूरी है तो पहले तो पढ़ाई को देखना होगा, उसके बाद सेकेंडरी में देखना होगा, उसके बाद धीरे धीरे आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या है कि पहले जो जरूरी नहीं है उसे पहले कर देते हैं और लास्ट में पढ़ाई के लिए समय नहीं बचता है। और विद्यार्थी जब समय पूरा बीत जाता है, पता चलता है 4 साल 5 साल विद्यार्थी यूं ही लगे रहते फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है। तो आइए ध्यान देंगे, समय को बर्बाद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब समय तमाचा मारता है तो पूरे जिंदगी भर तमाशा दिखाते रह जाता है। इसलिए ध्यान देंगे, समय का सही यूज करेंगे। समय के बारे में ही किसी कवि ने कहा था कि माटी कहे कुम्हार से तू काहे रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोई। इसका मतलब यही हुआ, वो कहता है माटी कहे कुम्हार से, यहां माटी समय है, कुम्हार आप हैं, तो कहता है माटी कहे कुम्हार से, यानी समय आजकल विद्यार्थियों को कहता है कि तू मुझे बर्बाद क्यों करता है, अरे एक दिन ऐसा आएगा हम तुमको बर्बाद कर देंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें। कभी कभी हम लोग व्यर्थ चीजों में, व्यर्थ बकवासों में अपना समय को खुद बर्बाद करते हैं, और पता चलता है कि समय का उपदेश हम लोग देते रह जाते हैं, खुद यूज नहीं करते हैं और उपदेश दूसरों को देते रह जाते हैं। और पता चलेगा कभी लांछन लगाएंगे शिक्षकों पर कि समय बर्बाद कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो बताइए, इस प्रकार से वो विद्यार्थी रियल विद्यार्थी नहीं है जो अपने गार्जियन को कहते हैं कि हमारे भविष्य को बर्बाद किया या कुछ किया, उसका दोषी गार्जियन नहीं है, वो स्वयं है। क्योंकि याद रखिएगा, समय सबके बराबर ही ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये ऐसी वस्तु है जो सबको बराबर दिया है। इसीलिए किसी ने यह भी कहा है कि समय ही एक ऐसा सिक्का है जिसके बारे में आपको खुद तय करना होता है कि खर्च कैसे किया जाना चाहिए, तो ये आपको तय करना है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे। ये बीच बीच में आपको छोटा छोटा आत्मविश्वास देते रहेंगे ताकि आपको इंटरटेनमेंट होता रहे और आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहे। और ऐसे भी हमारा तो एक ही मिशन है, हम तो हमेशा कहा करते हैं कि नींद कहां हमारी आंखों में, हम तो कामयाबी के दीवाने हैं, बस अभी तो शुरुआत किया है, हमें तो लाखों बच्चों के भविष्य सजाने हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12वां सवाल कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या एवं उसके पलटने से बनी संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का अगर अंतर दिया रहेगा और अंकों का अंतर पूछेगा, अंकों का अंतर तो याद रखिएगा अंतर बटा 9 होता है, अंतर बटा 9। और ये अंतर क्या है पता, 2 अंकों की संख्या और उसी संख्या अंक पलटने से अंतर है, ये तो अंतर दिया है 54, तो 54 बटा 9 करिएगा तो 6 आवेगा। आइए 13वां सवाल दिखाते हैं। हाँ, किन्हीं के मन में ये भी लगता होगा कि अंकों का अंतर तो बता दिए, अगर अंकों का योगफल कहेगा तब तो योगफल बटा 11 होता है। जब कभी बेसिक 2 हीरो लेवल तक पढ़ेंगे तो उसमें A to Z को हर बात का जिक्र करेंगे, ये नहीं कि ये क्वेश्चन बताए अब इसमें इसी में है तो आपको देखिए कितना प्रश्न पॉसिबल था, अंकों का अंतर दिया है, यहाँ पर भी बात चलता है कि क्या योगफल पूछेगा तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से जब रेगुलर बैचेज का अगर वीडियो हम बनाएंगे तो वहां पर हर बात का जिक्र करेंगे और आपको एकदम अच्छा लगेगा। तो आइए, हम तो यहां पर विशेष आउट ऑफ सिलेबस बात करना पसंद नहीं करेंगे, आइए 13वां सवाल पर अब ध्यान देंगे। कहता है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज हो। तो देखिए इसे बाई ऑप्शन ही बना लीजिएगा, 6 अंकों की संख्या कह रहा है तो ऑप्शन में एक है, यहां पर सी ऑप्शन दिया है, देख लीजिएगा ये दिया है, अब इसे काट करके देखिएगा
तो 18 से जरूर कट जाएगा। अब बात रहा कि कैसे चेक करेंगे कि 18 से कटेगा कि नहीं, तो 18 से विभाजन का रूल है कि जो 9 से और 2 दोनों से कटेगा, तो 9 से विभाजन का रूल अंकों का योगफल 9 से कटेगा, तो 8 × 1 = 9 कट गया, और 2 से जब सम संख्या तो 2 से तो कटेगा ही, अतः इस प्रकार से बाई ऑप्शन सी आ जाएगा। आप लोग पीडीएफ में देखेंगे तो ऑप्शन सभी मिल जाएगा, एक बार पहले देख लीजिए और देख करके पीडीएफ को स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, रेलवे के लिए कहीं और क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक संख्या प्रणाली में 14,528 का एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? याद रखेंगे एक फॉर्मूला आप लोग बचपन में सीखे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। याद रखेंगे भाज्य किसे कहते हैं, तो जिसमें भागा देते हैं, जिसमें देते हैं भाज, और जिससे देते हैं भाजक कहलाते, जेकरा से देते हैं भाजक, और जिसमें देते हैं ना भाज्य कहलाता है, और भागफल शेषफल तो डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है। चलिए एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से भागा दिया, से पता नहीं है, यानी किस में दिया, 14,528 में दिया, किससे दिया पता नहीं, तो एक समान लिया, भागफल 83 आया, यहां 83 कर दीजिए, अब प्लस शेष 3 आ गया तो शेष 3 बचा, अब बताइए प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 होगा, तो जरा सोचिए 83 बराबर 14,525 हो जाएगा। अब जरा सोचिए जी कि इसमें जो ऑप्शन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अंतिम में 5 रहेगा, लेकिन बाय दिवस इसमें चारों ऑप्शन में 5 है, ऐसा करिएगा इसे काट दीजिएगा, काटने के बाद आपका जो उत्तर आएगा 170 आ जाएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न कहता सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, 72 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करती है, तब 72 से कम सभी विषम संख्या यानी 1 + 3 + 5 + 7 ... 71 तक जोड़ती है। देखिए जी अगर शुरू से 71 तक है तो इसे आप तो पहले इस तरह से भी बना सकते हैं, आइए बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आइए 2-3 ढंग बता देना चाहेंगे हम। आइए 1 + 3 + 5 + 7 ... 71 तक है, तब पहला तरीका देखिए क्या है जो जल्दी बनेगा, पहले 72 तक में विषम संख्या जो होगी आपका 36 होगा, तब विषम संख्या जब रहेगा ना तो देख लिए कई गो विषम है, तो 36 गो विषम है, और जय गो विषम रहेगा ना ओकरा 2 बार गुना कर दीजिएगा, यानी 36 गो विषम तो 36 × 36 तब 1296 आ जाएगा, बस हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर आपका 25 तक विषम का योगफल, देखिए तो कुछ नहीं करना है, केवल आप ये देख लीजिए कई गो विषम है, तो 1 से 25 तक में 13 गो विषम होगा, याद रखिएगा 25 के आधा करिए तो 12.5, तो 12.5 वो कभी संख्या होता है नहीं, 13 कर दीजिएगा, 12.5 आएगा ना तो बढ़ा दीजिएगा, 12.5 तो कहिए आधा बोड़ है, तो 12.5 यानी 13 हो जाएगा, तो कुछ नहीं करिए 13 × 13 करिए, 13 × 13 = 169। तो एक तो इसी तरीका से बता दिए, एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 और इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1 होता है, तो ये ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो है यही तरीका से बनाना चाहिए, लेकिन जानकारी रख सकते हैं जब दूसरा प्रश्न रहेगा, 1 से शुरू नहीं रहेगा, 20 से कहीं रहेगा, तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो देखिए फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2,
तो 71 और एक जोड़िएगा तो 72 और 72 के आधा 36। अब देखेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 71 में से एक घटेगा 70, 70 बटा डिफरेंट होता है, 70 बटा डिफरेंट, तो डिफरेंट 2 का है, तो 70 के आधा 35 और 35 और एक जोड़िएगा तो 36। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं आपका 36 × 36 तो 1296। चलिए और भी तरीके हैं, इसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है, लेकिन जल्दी बनाने के लिए यही ठीक है। फिर आगे कभी किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन स्पेशल पढ़ेंगे तो वहां पर सबका जिक्र कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16। कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो देखिए बाई ऑप्शन डायरेक्ट हम ऑप्शन को ही चेक कर देते हैं। आपका सी ऑप्शन दिया है 49, 23, 17, 54। आइए अब चेक करते 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए चेक हमने इसे कैसे किया, ये तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ले लिया है। आइए 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 5, 12, अल्टरनेट अंकों का योगफल। अब देखिए 9, 3, 12, 12, 7, 19, 19 और 4 करेंगे तो 23 आएगा। अब 23 में 12 घटे 11 आएगा, माइनस इग्नोर करिए क्योंकि अंतर देखते हैं हम लोग। आइए तो 11 तो 11 से कटती है, आता ये 11 से कट जाएगी, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को ही चेक करने का तरीका बता दिए। अगर ये 11 गुणज नहीं रहेगा तो नहीं होता है। चलिए आइए 17वां सवाल कहता है कि 1 से 10, चलिए 17वां सवाल कहता है कि 1 से 10 तक के सभी संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेके 1² 2² 3² ...... 10² तक का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्क्वायर स्क्वायर रहेगा तो फार्मूला होता है n × n+1 और 2n+1/6। तो n का मान तो 10 है, n+1 तो 10 × 1 = 11 हो गया, और गुने 10 × 20 = 21, और 21/6 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए 7 × 21 और 3 × 6 = 5 × 10, तो 11 × 5 = 55 और 55 × 7 करिएगा तो देखेंगे 55 × 7 = 7, 5 × 7 = 35 और 3 = 38, यानी 385 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका योगफल आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18वां सवाल कहता है कि 2.5 किलो सब्जी के दाम 120 रुपया है। तो 2.5 किलो सब्जी का दाम 120, तो देखिए जी जब दाम निकालना रहेगा तो पहले 1 kg के जरूर निकालिएगा, यूनिट का अवश्य निकालिएगा, जल्दी बनता है। तो 120 रुपया में 2.5 किलो, तब वजन कर दीजिए नीचे 2.5, और कहता है 3/4, अच्छा 1 किलोग्राम के 3/4, तो 1 किलोग्राम का 3/4 तो 3/4 ही होगा। अब इसे काट दीजिएगा, अब देखेंगे तो 120, अब इसे 5 नीचे आई 2 तो आपका ऊपर चला जाएगा, और गुने 3/4 करिएगा, काट दीजिए 2 × 4 और 5 × 10, यानी 12 × 36 रुपया आपका आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 36 रुपया आया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कहता एक विद्यार्थी ने जितना प्रश्न सही किया ओकरा से 3 गुना गलत किया। आइए सही गलत, कहता जितना सही किया ओकरा से 3 गुना गलत किया। तो हमने माना सही 1 गो किया, तो गलत तो 3 गो किया, यानी सही और गलत का रेशियो 1:3 आ गया। अब कहता है कि यदि कुल 76 प्रश्न का उत्तर दिया, अच्छा 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 टोटल प्रश्न का उत्तर दिया 76 गो के, तो टोटल प्रश्न का उत्तर दिया 76, तो 76 दिया जोड़ के, तो रेशियो भी बनाइए जोड़ के, क्योंकि दिया बराबर किया, तो अनुपात 4/76, तो 19 × 76, 1 का मान 19 आया। प्रश्न का सही के गो हल किया तो देखिए 1 का मान 19 और 1 का मान पूछिए रहा है तो 19 से आपका उत्तर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।
कहता 38 का 15% क्या है? 38 का 15%। अच्छा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। देख लीजिए, इसे तो आप 15 से गुना करके भी दो अंक के बाद दशमलव रख दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए 38 और 15 को गुना करें, 15 अठी 20 से के 0 बाकी 12, और 15 तिया 45, और 45 और 12 57, और दो अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक दो अंक यहाँ धोर दीजिएगा तो अपने आ जाएगा, यानी 5.7 आ गया है। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 38 का 15% था ना, तो 38 को आप 1.5 बार पढ़िए, ठीक, तो 38 1.5 करिएगा तो 57 आवेगा, क्योंकि 19 दूनी 38 तो 19 57 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव कर दीजिए तो ऐसे भी आ जाएगा। अब जिस तरीका से आपको बनाना हो वैसे बना लीजिए, जैसे सुविधा हो, केवल बन जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21, कहता एक संख्या के 9/5, तो संख्या को ऑलवेज हम एक मानते हैं, फ्रैक्शन में ऑलवेज संख्या एक मानेंगे, एक का मान निकालेंगे, समझिएगा कि संख्या निकाल रहे हैं। तो यदि एक संख्या के 9/5 और इतना के 35%, तो 35% ये हुआ, और कहता 252 है तो बराबर 252 कर दीजिए। आप यहां भी बट्टा में 100 लिख करके बना सकते हैं, या उधर 100 लेके जा सकते हैं, जिस प्रकार से बनाना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत अट गया, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 35, अब 5 × 20 है 100 होगा। अब जरा देखेंगे, आप इसे काट सकते हैं, 9 × 7 = 63, और 63 × 4 आपका 252 हो जाएगा। तो 1 डिनोट्स टोटल, संख्या को इंडिकेट करता है, तो 20 × 5 = 100, और 100 × 4 = 400, यानी आपका उत्तर 400 आ गया। अगर फ्रैक्शन में बात रहेगा तो 1 का मान हम निकालेंगे तो संख्या दर्शाएगा, वही अगर यहाँ x भी लिख दीजिएगा तो यहाँ x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22वां सवाल देखेंगे। 22वां सवाल कहता है कि 80 के 60%, तो देखिए 80 का 60%, तो देखिए आप ये जो से पहले उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इतना का मने गुना 7/8 क्या होगा, 8 से 8 काट दीजिए, तो 6 × 7 = 42 आपका उत्तर आ गया। तो आगे और देखेंगे, अगला सवाल कहता है 23वां कि 200 के कितना% 95 है, 200 का कितना% 95 है, तो देख लीजिए 200 के 95 की बात कह रहा है, के प्रतिशत है, तो जिसको पूछे ना ऊपर लिखा जाता है, और जिससे कंपेरिजन करे तो नीचे लिखा था, गुना 100 कर दीजिए तो देख लीजिए 95/200 × 100 कट गया, तो नीचे 47 × 94, यानी 47.5% आपका आ जाएगा, यानी 47.5% है। याद रखिएगा, कहा 200 का 95% तो जेकर बारे में पूछे ऊपर, और जिससे तुलना करेगा नीचे, और गुना 100 कर दीजिएगा, आपका 47.5% आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। देखिए 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या के बारे में पता होगा कि 2 लगातार सम संख्या में 2 का डिफरेंट होता है। अगर छोटी संख्या n होगा तो एक बाद वाली संख्या तो n+2 होगा, और ये दोनों का गुणनफल कहता है कि 528 है। आप इसे बाई ऑप्शन ही बनाते हैं तो अच्छा है। आइए तो बाई ऑप्शन देखिए चेक करने का तरीका बताते हैं, ऑप्शन हम यहां दिखा देते हैं। आपका पहला ऑप्शन दिया 18, दूसरा दिया 20, तीसरा दिया 22, चौथा दिया 24। देखिए भाई ऑप्शन, अगर हम 18 लेते हैं, 18 और 20 गुना करेंगे तो कभी भी 528 आएगा, नहीं आएगा। 20 और 22 भी गुना करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। अब इसे जरा देखेंगे, तो 22 और 24 गुना करिएगा तो 22 × 24 तो 4 × 2 = 8 मिल रहा है कि नहीं। अब इसकी बात करेंगे तो 24 को जब 2 जोड़िएगा इसमें तो 26, तो 6 × 24 के 4 होना चाहिए था, तो 4 तो ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। मतलब कि 22 ऑप्शन जल्दी बनता है, यानी इकाई अंक से भी देख सकते हैं।
तो आपका उत्तर क्या गया 22, क्योंकि 22 और 24 गुना करेंगे तो आ जाएगा। और नहीं तो यहां से आप द्विघात समीकरण से भी बना सकते, लेकिन द्विघात समीकरण करने के बाद भी तो गुणनखंड में तोड़ना ही पड़ेगा, और तोड़ करके यही बात सोचना पड़ेगा कि किसे किसे गुना करेंगे तो ये आएगा, तो एक तो 22 सोचना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि भाई ऑप्शन बना दीजिए। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग 25वां सवाल। देखिए 25वां भी इसी प्रकार का है। ये कहता है दो कर्मागत विषम संख्याओं का गुणनफल, तो दो कर्मागत विषम संख्या तो विषम में भी दो ही का अंतर होता है, एगो एन तो एगो एन प्लस टू, अब इसे गुना करेंगे तो 199, इसे भी विकल्प से ही बना लीजिएगा। तो बाई ऑप्शन हम डायरेक्ट आपको उत्तर बता देना चाहेंगे, ऑप्शन में एक 19 दिया है, 19 को जब 21 से गुना करिएगा तो आपका ये आ जाएगा, अतः विकल्प से बाई ऑप्शन 19, और नहीं तो द्विघात समीकरण पर बना सकते हैं आप लोग, बना लीजिएगा। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न। कहता पांच कर्मागत सम संख्याओं का औसत 40 है, जब संख्या एपी में हो, जब संख्या एपी में हो तो औसत बराबर बीच वाली संख्या होता है, याद रखिएगा औसत बराबर बिचलहवा होता है, मतलब बीच वाली संख्या यानी मिडिल टर्म होता है। तो यहां कहता है कि पांच गो कर्मागत सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, पांच कर्मागत सम संख्या है और इसका औसत 40 दिया, औसत माने बिचलहवा। तो देखिए ये पांचों के बीच में कौन है, तीसरी संख्या, मैंने औसत 40 दिया मैंने बीच वाला संख्या पता चल गया, तो ये सम संख्या का ना सीरीज है, तो इससे तो ये दो कम रहेगा और इससे भी दो कम रहेगा। तो जरा सोचिए 40 में दो कम 38, 38 में दो कम 36, और इधर की बात कहा जाएगा तो इससे दो ज्यादा रहेगा, इससे भी दो ज्यादा, तो 40 दो 42 ये रहेगा और 42 दो 44 ये रहेगा। सवाल कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो देखिए इसमें सबसे छोटी तो 36 आ गया, आपका उत्तर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक संख्या का 2/3, तो हम संख्या को एक मानते हैं, तो संख्या के 2/3 और इसका 1/4 कहता है 100 है, तो बराबर 100, तो देखिए 2 × 2 = 4, तो 1 बराबर देखिए 3 × 2 = 6, 6 को 100 से गुना करिए 600, आपका उत्तर 600 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि 1265 में क्या घटाए कि 29 से पूरी परिवार कट जाए, तो देख लीजिए 29 से 1265 में भागा दीजिए। सवाल कहता है कि 1265 में क्या घटाएं कि 29 से कट जाए, तो लगाइए जरा इसे, तो 29 चौका 16 से 116, तो 0 1 5, अब देखिए 29 दिया 87, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहां बच गया 9 यानी 18, तो यहां पर शेष 18 बच गया। जरा सोचिए नहीं रहता तो पूरा पूरा कट जाता, यही तो कर क्या घटाएं, तो कहिए 18 घटा दीजिए ना, क्योंकि 18 ही तो बच रहा है, अगर यही घट जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो अतः आपका ऑप्शन 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, कहता दो संख्याओं का रेशियो 3:1 है, दो गो संख्या है इसका रेशियो 3:1 है और दोनों का योगफल 72 है, तो देखिए दिया है योगफल तो इसे भी बनाए योगफल, तो 3 × 1 = 4, दिया बराबर किया हम फॉलो करते हैं, तो 3 × 1 = 4, 4 = 72, तो 18 × 4 = 72, अनुपात 1/18। सवाल कहता है संख्या का अंतर ज्ञात करिए, तो 3 और 1 में अंतर तो 2 का न है, देख लीजिए अंतर पूछा है, अंतर तो 2 का अंतर, 1 का मान 18 तो 2 का मान 18 × 2 = 36। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30वां सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, ये दोनों जोड़ करके 20
और ये दोनों का गुणनफल दिया है 91। जरा देखिए, इससे भी बहुत प्रश्न बन सकता है, लेकिन जो सवाल पूछा है उस पर ध्यान देंगे। ये सवाल कहा इसके व्युत कर्मों का योगफल, तब व्युत कर्मों का योगफल जब पूछेगा तो देखिए ऊपर में जोड़ करके नीचे गुना करके तो योगफल बटा गुणनफल खाली कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कब? जब व्युत कर्मों का योगफल पूछेगा तब। व्युत कर्मों का योगफल पूछेगा तब, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, योगफल के ऊपर उलट के पूछेगा तब ऐसा करिएगा। ऊपर में जोड़ के नीचे में गुणनफल, ऊपर में योगफल नीचे गुणनफल, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। चलिए, और नहीं तो आप ए और बी का मान निकाल निकाल के भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता एक संख्या के 60%। ऐसा करते हैं, पहली संख्या हम ए मानते हैं तो एक संख्या के 60% और दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या के 2/3 कहता है आपस में बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अजी जो कहे वही तो कर दीजिए। चलिए प्रतिशत को नीचे शो कर देते हैं, तब 20 + 60 और 20 × 25 = 100। अब इसे गुना करिएगा तो 3 × 9 = 5 × 10 = 20। ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार से सटल रहे ना तो एकर सटल की ओकर मान और ओकर सटल की एकर मान, यानी a:b बराबर 10:9 हो जाएगा। एकर मनमा ओकर सटल की, ओकर मनमा एकर सटल की, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता दो अंकों की एक संख्या है और अंकों का योगफल 11 है। हम संख्या के अंक ए और बी मानते हैं तो संख्या के अंकों का योगफल 11 दिया है। कहता यदि आपस में बदल दिया जाता है तो 63 कम जाता है। अच्छा, माने अंकों का अंतर जब हम निकालना चाहेंगे तो 63 में कम जाता है पलटने पे, तो 63 में 9 से भागा दे दीजिए, अंतर बटा 9 होता है। तो आइए ये भी भाग दीजिएगा, 7 आवेगा, यानी अंकों का योगफल 11 समीकरण नंबर 1 और अंकों का अंतर समीकरण 2 आ गया। सवाल कहता है संख्या बताइए, तो याद करिए एक बार दिया जोड़कर एक बार दिया घटा के। अगर ए का मान निकालना है 11 × 7 = 18 के आधा 9 आ गया, और दूसरा का मान निकालना है 11 में से 7 गया तो आपका आ जाएगा 4, 4 के आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब पूछा संख्या की बात, तो संख्या देख लीजिए या तो 29 होगा या तो 92 होगा, लेकिन सवाल कहता है कि इसमें अब इसमें 29 भी हो सकते, क्योंकि जब अंतर दिया रहेगा तो अंतर कोई जरूरी नहीं है कि इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है अभी। लेकिन सवाल कहता है कि जब आपस में बदलते हैं तो 63 कम जाता है, ध्यान दीजिए, तो 92 को ही तो जब अंक पलटिएगा तब 63 कम होगा, अतः 92 ही आपको उत्तर मारना होगा। फिर से देख लीजिए, ये कहता है कि आपस में जब बदला जाता है तो 63 कम जाता है, तब 92 को ही तो बदलिएगा तब 29 आवेगा, तब 63 कमेगा। अगर 29 को करिएगा तब तो ये ज्यादा हो जाएगा। देखिए जरा सोचिए, अगर 29 मारिएगा उत्तर, अगर एकरा पलटिएगा तो 92 आएगा, ये तो बढ़ न गया। लेकिन प्रश्न कहता 63 कम जाता है, अंकवा पलटे पर 63 कम जाता है। आइए, तो कम जाता है तो आपका उत्तर 92 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, यानी गुना करेंगे तो 24, और वर्गों का योगफल मतलब a² + b² का जो मान है वो दिया है 52। सवाल कहता है कि उनका योगफल ज्ञात करिए, मतलब a + b पूछ रहा है, a + b बराबर ही पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, a² ab a + b अगर है तो थोड़ा सा ना लगता है कि a + b का होल स्क्वायर इस पे सूट हो जाएगा। देखिए ना, a² b² यहाँ 2 रहता तो 2ab हो जाता कि नहीं, तो a+b है ये, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए ना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब बताइए इसका मान दिया 52 प्लस टू ए बी, ए बी का मान 24, तो 24 दुनी 48, 48 अब 52 100, तो ए प्लस बी का मान इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट, यानी कि 10 आ गया। अगला सवाल देखेंगे, 34वां सवाल कहता है कि यदि दो अंकों वाली संख्या है और उसका अंकों का योगफल 9 है, दहाई के अंक से इकाई का अंक जो है एक कम है। अच्छा, इसे बाई ऑप्शन बना लीजिए, देख लीजिए बाई ऑप्शन आपको डायरेक्ट हम चेक कर देते हैं, 54 एक ऑप्शन में है, बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं सी, तो 54 है, कहता अंकों का योगफल 9 है। जरा सोचिए ये दोनों के जोड़िएगा तो क्या 9 नहीं आएगा, 5 जोड़ 4 = 9 तो आएगा। इसके बाद कहता है दहाई का अंक इकाई से एक कम है, तो दहाई का अंक, चलिए दहाई के अंक से इकाई का अंक एक कम है, चलिए दहाई के अंक से इकाई का एक अंक कम है, तो एक तो कम है ही है, चलिए ठीक ही है, चलिए इस प्रकार से बाई ऑप्शन आपको सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 कहता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए तब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9 होता है। आइए अभी दोनों में अंतर कह रहा है तो अंतर जरा सोचिए, घटाएंगे तब तो एक ही का आएगा, चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 कहता 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल 132 है, ध्यान दीजिएगा, और उसके अंकों का अंतर 4 है। अगर योगफल दिया है ना तो अंकों का योगफल, ध्यान दीजिए अंकों का योगफल आपका आएगा योगफल बटा 11, मतलब 132/11 भाग देंगे तो 12 आएगा, यह समीकरण नंबर 1, और इसका जो अंतर दिया है अंतर 4 दिया, यह समीकरण 2 आ गया। ध्यान दीजिए एक बार दिया जोड़कर एक बार दिया घटा के, अगर पहल की है तो 12 × 4 = 16 के आधा 8, दूसर की निकालना है 12 में से 4 के 8 के आधा 4, इस प्रकार से आपका उत्तर बाई ऑप्शन 84 आ चुका है। आप इसे जो है अगर अंतर की बात करता है तो 48 भी उत्तर हो सकता है, लेकिन 48 ऑप्शन में नहीं दिया है, अतः 84 मार दीजिएगा। आगे देखेंगे 37 का सवाल कहता है 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए, 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, तो देखिए जी जब गुणज कहे या गुणक कहे एक ही बात है, तब 12 के प्रथम 20 तो जब औसत इस प्रकार के रहेगा तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 लगा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, ऐसे एवरेज टॉपिक में हम इसका विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम ये मिसलेनियस क्वेश्चन है इसलिए अभी केवल फॉर्मूला बताकर हम काम चला लेते हैं, पुनः जब एवरेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर बात का जिक्र करेंगे। आइए तो 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, तो देखिए पहली संख्या 12, 20वां गुणक 12 × 24 यानी 240, अभी फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 होता है, बस डायरेक्ट औसत आवेगा, किसी भी संख्या के गुणक कहे फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 करिए, तो पहला गुणक 12 है कहीं 12, 20वां गुणक तो 20 × 12 करिएगा, 12 × 24 यानी 240, अब इसे जोड़िए तो 240 और 12 252, इसका आधा करिएगा तो 126 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 4^13 को, देख लीजिए 4^13 को जब 3 से भाग देवेंगे शेष क्या बचेगा, बहुत बढ़िया, तो देखिए 4^13 में 3 से भागा देना है,
तो चार गुने चार गुने चार 13 बार पहले ना करिए, पहले चार में तीन से भागा दीजिए, चार में तीन से भाग दीजिएगा तो एक आवेगा, और एक गुने 13 बार करिए भाई 14 बार करिए, क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही तो आवेगा। आइए एक आ गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39वां सवाल कहता है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णता विभाजित हो, तो 11 से आप भाग दे सकते हैं। आइए एक बार में लगाएंगे तो 6 यहाँ 3, 11 पचे 55 तो देखेंगे यहाँ 8, 9, 11 8 88, यहाँ शेष एक बच गया। देखिए अगर घटाने की बात कहेगा, ध्यान दीजिए, अगर घटाने की बात कहेगा तो यही उत्तर, लेकिन जब जोड़ने की बात कहेगा, जोड़ने की बात कहेगा तो एक में क्या जोड़िएगा कि 11 आएगा, जरा सोचिए एक में क्या जोड़िएगा कि 11 आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि एकरा में घटा दीजिए तो 11 में से एक आया 10, यानी एक में 10 जोड़ेंगे तब 11 आएगा, अतः उत्तर 10 आ गया। देखिए अगर घटाने की बात कहे तो एक ही उत्तर, अगर जोड़ने की बात कहे तो इसमें ई वाला घटा के उत्तर मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 40वां सवाल कहता है कि 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है, तो कुछ नहीं करना है, 15 और 85 के बीच कहा है, 15 और 85 के बीच, तो जरा सोचिए कि 15 और 85 के बीच 7 से जो कटने वाली है उसकी गिनती करना है, तब 85 के जब बीच ये बोला तब अजी 85 तक नहीं, 85 के बीच, तो 84 तक न गिनती होगा, तो 84/7, अब 15 के बीच यानी 15 के बाद यानी 16 से गिनती करे लगी है, 16 से गिनती करना है तो गिनती नहीं करना है 1 से लेकर 15 तक, यानी 15 में 7 से भागा दे के घटाना होगा, तो देखिए इसे भाग देंगे तो 12 सते 84 और 7 दुनी 14, घटाइएगा तो 10 आवेगा, इस प्रकार से आपका उत्तर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अब, कहता है P7 1 3 11 से डिविजिबल है यानी 11 से विभाजित होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान क्या है, तो देखिए हम लोग जानते हैं 11 से विभाजन का रूल कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तब P और 1 यानी जोड़ना होगा अल्टरनेट में, आई 7 और 3 10, अब जरा सोचिए जी कि इसमें क्या P के जगह रखा जाएगा ताकि या तो 0 से यानी घटाने के बाद 0 आवे या 11 का गुणज, तो जरा सोचिए P के जगह अगर 9 रख दीजिएगा तो 9 1 10, 10 में 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं, अतः P का मान 9 आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42वां सवाल कहता है x और y दोनों सम संख्या है, x और y दोनों सम है, ध्यान दीजिए इवेन नंबर है, इवेन नंबर, और ये कहता है निम्नलिखित विकल्प में से कौन विषम है, अच्छा अच्छा तो जरा सोचिए, ऐसा करते हैं इवेन कुछ ले लीजिए, एगो 2 एगो 4 ले लेते हैं, अब इसमें ऑप्शन से चुनना है विकल्प में से कि कौन विषम है, तो पहला कहता है x प्लस y, तो जरा सोचिए 2 और 4 जोड़िएगा तो 6 आएगा, क्या ये विषम है, नहीं कहा जा तू नहीं है, दूसरा ऑप्शन x माइनस y, तो जरा देखिए जी 2 में 4 घटाइएगा तो माइनस 2 भी आवेगा, ये देखिए निगेटिव आपका सम संख्या ही आया, ये तो विषम नहीं है, कहा जा तू भी नहीं है, सी देखेंगे कहता है x प्लस y प्लस 1, तो देखेंगे 2 4 6 1 7, ये तो विषम संख्या इसी के तो तलाश था, आगे तो अब आगे क्यों देखे, गुना करके दिया है x इंटू y दिया है, तब 2 4 8 हो जाएगा, 8 तो सम होगा, चलिए अभी से नहीं देखते, चलिए 43वां सवाल कहता बाई का वह न्यूनतम मान ज्ञात करिए, चलिए न्यूनतम जो कि 26 7 बाई 2, अच्छा ये है 2 6 7 बाई 2, ये कहता 3 से पूरी पूरी बार कटती है,
तो तीन से विभाजन का रूल क्या था? अंकों का योगफल तीन से कटे, तो जोड़ दीजिए ना, 2 6 8 8 7 15, 15 2 17, आई बीच में 22, तो 17 प्लस 22 है। देखिए अब 22 के जगह क्या लिखेंगे, छोटा छोटा न्यूनतम मान पूछा ताकि कट जाए, तब 22 ऑप्शन देख लीजिएगा। तब 22 ऑप्शन तो एक आपका सबसे छोटा दिख रहा है, एक अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एक आगे भी देखा जा सकता है। आइए तो 22 ऑप्शन एक, क्योंकि 17 1 18 और 18 जो है तीन से कट रही है। यानी कि न्यूनतम अगर ऑप्शन वाला प्रश्न नहीं है तो न्यूनतम तो एक होगा ही, लेकिन अगर एक ऑप्शन में नहीं रहे तो कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान अवश्य देंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कहता है 2 3 4 8 2 3 4 8, ये कहता है 9 से कटती है, ध्यान दीजिएगा 9 से कट रहा है, बढ़िया है। तो 9 से विभाजन का रूल है, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, तो 3 2 5 4 9, चलिए बढ़िया बात, तो 9 प्लस 1, अब 9 से कटना भी चाहिए, तो जरा सोचिए ए का मान पूछ रहा है, तो एक के जगह तो 0 भी रहेगा तो 9 से कटेगा, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है, तो 0 नहीं है तो एक ऑप्शन 9 टैली कर रहा है। आइए तो 9 9 जोड़िएगा तो 9 9 18 आएगा, 18 9 से कटेगा, अतः ए का मान 9 आ गया। ऐसे 0 भी उत्तर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं रहने के कारण आपका उत्तर 9 आया। शुरू 45वां सवाल, कहता जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से भागा दिया जाता है तो 4 से बचता है। n एक ऐसी संख्या है कि इसमें 5 से भागा दिया गया तो 4 से बचा। ऐसा करते हैं, संख्या को हम मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, तो जब 9 मानिएगा तो 5 से भाग देने पर 4 बच ही जाएगा। सवाल कहता है 2n को भाग देना होगा, 2n को भाग देंगे तो देखिए कुछ नहीं, n का मान तो हमने 9 माना है ना, तो 2n के मान तो 9 दुनिया 18 हो जाएगा, और 18 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 3 15 3 आ जाएगा। चलिए एक और तरीका था, लेकिन ध्यान दीजिए कि जेकरा से भागा देवे के कहेगा उतना ही रहेगा, तब ऐसे बनाइएगा। देखिए n में 5 से भागा दिया था तो शेष कितना बचा था, 4, यही तो n में 5 से भाग दिया था तो रिमाइंडर आपका 4 बचा था। सवाल का 2n, तो इसी को दुगना कर दीजिए, कुछ मत करिए, यही 5 से तो भागे देना था, तो 4 2 8 8 में 5 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आ गया। आप ऐसे भी मुहिम बना सकते थे, रिमाइंडर 4 दुगना करल कहा, 4 2 8 8 में 5 से भागा 3, डायरेक्ट था। चलिए इस प्रकार से और भी इस पर बहुत से प्रश्न बनता है, तो फिर आगे कभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 46, कहता यदि संख्या 7 3 2 x / 70 से कट रहा है, तो 70 से जब कट रहा है तो लास्ट में तो 0 ही होगा, तो 22 का मान तो 0 हो गया। अब सोचिए 7 से काट बचा हुआ संख्या 7 से कटना चाहिए, कट जाएगा, 7 4 28, अब यहां बच गया 4, अब 4 पर क्या लिखेंगे कि 7 से कटेगा, तो देखिए यहाँ 4 रिमाइंडर है ये, अब x के जगह पर अगर 2 लिखिएगा तब भी 7 6 42 कटेगा, या तो 7 7 49 यानी 9 भी लिखेंगे तो 7 7 49 कट जाएगा, यानी उत्तर आपका x का मान जो होगा 2 या तो 9 होगा। लेकिन सवाल कहता है x माइनस 22, तो जरा सोचिए कि x का मान अगर 9 रहेगा तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 आएगा, यही अगर 2 में से 0 घटेगा तो 2 आएगा, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका 2 दिया है, अतः आपका 2 उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47, कहता है 1701 तथा 1*6 का गुणनफल, ये दोनों का जो गुणनफल है ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है, 28 से देखिए कट रहा है, तो सवाल कहता है कि अस्टार का मान क्या होगा। अच्छा तो 28 से कटने का रूल क्या है कि 7 से कटे और 4 से कटे तभी तो 28 से कटेगा,
जरा सोचिए 28 से कब कटेगा, जब 7 और 4 से कटेगा, इसे भाग देकर देखिए 7 से कटता है क्या, तो 7 × 2 = 14, 3 × 0 = 30, 7 × 4 = 28, 7 × 21, 7 से तो ई वाला कट जाएगा, ये तो 4 से जरूर कटना चाहिए। तो यहाँ कटने के लिए अंतिम दो अंक, 4 से विभाजन करूँ, अंतिम से 2 अंक कट जाना चाहिए 4 से, या डबल 0 होना चाहिए। तो देखिए अगर 1 लिखेंगे तो 16 तो 4 से कट जाएगा, या तो आप यहाँ पर 3 भी लिखेंगे तो कट जाएगा, 5 भी लिखेंगे तो कट जाएगा, 7 भी लिखेंगे तो कट जाएगा, 9 भी लिखेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 1, 3, 5, 7 या 9, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में आपका 1 दिया है, तो आपका उत्तर 1 आ गया है, यानी स्टार का मान 1 आया। अगला सवाल 48, सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब कि इसका वर्गमूल निकल जाए। ऑप्शन देखिए 0.09 दिया है, हाँ 9 का वर्गमूल 3, और दशमलव के बाद देखिए अगर जोड़ा में अंक रहेगा तो जय गो रहेगा, और आधे अंकों के बाद दशमलव पड़ता है, तो एकरा में 2 अंक है तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो इसका तो वर्गमूल निकल ही गया, ऑप्शन तो आपका यही आ चुका है, और बाकी जो दिया है देख लीजिए 0, 2, 5, तो इसमें देखिए विषम है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव में पूर्ण वर्ग जब रहेगा तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या पेयर में, पेयर यानी युग्म यानी जोड़ा में होना चाहिए, जब जोड़ा में रहेगा तो पूर्ण वर्गमूल उसका निकलेगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें 3 गो है तो ये तो पेयर नहीं बनेगा, अतः इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और एक ऑप्शन दिया है आपका 8.1, तो देखिए दशमलव एक ही अंक है, अतः इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और डी में दिया सभी, सभी नहीं, पहला ऑप्शन आ चुका था। चलिए अगला सवाल 49वां देखेंगे, ये कहता है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिसमें 3/10 भाग लड़का है, तो लड़की की संख्या पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, देखिए दिया है लड़का अब पूछा है लड़की, तो देखिए 200 स्टूडेंट है और 3/10 भाग लड़का है, 3/10 भाग लड़का है माने 10 गो में 3 गो लड़का है, एक मतलब 10 गो में 7 गो लड़की है, तो याद रखेंगे 3/10 का जो शेष तो 7/10 भाग लड़की, 0, 0 खत्म, 20 × 7 = 140, ध्यान दीजिएगा ये 3/10 का शेष है, ध्यान दीजिएगा 3/10 का शेष 7/10 होगा। वेदों को पढ़ने से अच्छा है लोगों की वेद न पढ़ लेना, वेदों को पढ़ने से अच्छा है लोगों की वेद न पढ़ लेना, मंदिर मस्जिद में दान देने से पहले अपने गरीब